लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में आज प्रशासन द्वारा रखा गया। जिले के निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश लोकेश जाटव के मार्गदर्शन में ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में बंद की गईं। निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक आईएएस अधिकारी एवं आईएएस भव्या मित्तल, एडीएम शर्मा, एडिशनल कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ के साथ सहायक चुनाव अधिकारी अतुल सिन्हा, एडीएम एवं अतिरिक्त कलेक्टर एवं कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि व अन्य की उपस्थिति में आज प्रातः 5 बजे स्ट्रांग रूम के अलग अलग कमरों में लॉक किया गया। रात्रि 2 बजे तक ईवीएम मशीनों का आना लगा रहा। सबसे अंतिम देपालपुर से ईवीएम मशीन आई।